लगातार बारिश होने से आप देख सकते हैं गुरुग्राम में किस तरह बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़क हो चाहे मोहल्ला, जगह जगह पानी का भरा हो गया है। बरसात में गुरुग्राम का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है। पानी निकलने के लिए गुरुग्राम सड़क के ड्रेन का ढक्कन कई जगह हटा दिया जाता है, जिससे गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। बरसात के पानी के बीच सड़क पर बने गड्ढे की वजह से भी गाड़ियां लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। लगातार बारिश से सबसे अधिक जल भराव हीरो होंडा चौक, NH8 जयपुर हाईवे, रेलवे रोड, द्वारका एक्सप्रेस वे, गुरुग्राम ओल्ड दिल्ली रोड सेक्टर 14 एवं सेक्टर 4 का इलाका है। अब सवाल उठता है कि शहर के विकास के लिए जो पैसा आता है वह जाता कहाँ है? गुरुग्राम के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक क्यों नहीं किया जाता, ताकि लगातार बारिश से बरसात के पानी की निकासी आसानी से हो सके। इसके लिए शहर में फैले कूड़े कचरे का अंबार भी जिम्मेवार है, जो ड्रेनेज सिस्टम को ध्वस्त कर रहा है। आखिर इसके लिए अधिकारियों पर जिम्मेवारी क्यों नहीं तय की जाती है? गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी, आईटी हब, औद्योगिक नगरी एवं आधुनिक शहर कहा जाता है। ऐसा शहर जहां करीब 500 मल्टीनेशनल कंपनियां कार्यरत है, जहां बड़े बड़े राजनेता से लेकर देश विदेश के लोग यहां रहते हैं। गुरुग्राम जिसे हरियाणा का आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, हरियाणा सरकार को सबसे अधिक राजस्व देने वाला जिला भी गुरुग्राम है। यहां शहर के विकास के लिए गुरुग्राम नगर निगम एवं गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण GMDA है, जिसके पास शहर के विकास के लिए पर्याप्त पैसा है, जहां हर दूसरे दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों का आना जाना लगा रहता है। वैसे गुरुग्राम का ड्रेनेज सिस्टम बरसात में पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। We'll be right back.
साथ और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरबीएम न्यूज हमेशा सच के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आरबीएम न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।